अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज मैं फिर से हाजिर हूं रमजान के लिए एक बहुत ही धमाकेदार रेसिपी लेकर, और इसका नाम है चिकन धमाका। चिकन धमाका हमने इसे खुद से नाम दिया है। खाने में ये बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी है। अफ्तार के लिए बहुत ही आइडियल आइटम है। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या-क्या चीजें ली हैं, शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो ये आधा किलो मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, एक बोल मलाई ली है, एक बोल दही ली है, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा चाय का चम्मच बारीक कुटी हुई काली मिर्च। सबसे पहले बोल में हम इस क्रीम को डाल देंगे। क्रीम मीन्स मलाई। 1 कप मलाई और 1 कप दही, दोनों चीज़ों को एक साथ में कंबाइन कर देंगे मिक्स करके। सारे मसालों को एक साथ में मिक्स कर देंगे इसके अंदर हम। मलाई जब इसके अंदर डालते हैं और जब वो पकती है तो उसका घी निकल के आता है। इसके लिए इसमें तेल और दूसरी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कुटी हुई काली मिर्च, ताजी कुटी हुई काली मिर्च है ये, इसे भी हमने डाल दिया इसके अंदर। नमक स्वादानुसार डाल देंगे। वैसे इसके अंदर हम चीज़ का यूज़ करने वाले हैं तो नमक को ज़रा कंट्रोल में डालेंगे कि ज़्यादा ना हो जाए। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बन जाना चाहिए। दही में पानी नहीं होना चाहिए, मीन्स हंग कर्ड होना चाहिए। दही में से पानी को अलग कर लें, उसके बाद इसके अंदर यूज़ करें। अब चिकन के पीसेस को इस तरीके से कट्स लगा देंगे, तो कट्स लगाने से मसाला बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर बैठ जाएगा। तो अब सारे पीसेस के ऊपर इस तरीके के कट्स लगाए हुए हैं, धुल के साफ किया हुआ है। सारे चिकन को हम इस मसाले के अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे कि मसाला जो है पूरे चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से लग जाए, मींस कोटिंग हो जाए, मसाले की अच्छी कोटिंग हो जाए। आप देखेंगे कि मसाले के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं दिखाई दे रहा, मींस दही हंग कर्ड था। 2 घंटे के लिए इसे हमने फ्रिज में मैरिनेट होने रख दिया। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम इसे पकाएंगे। हमने पकाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन को गैस के ऊपर रख दिया है, आंच को मीडियम कर दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम मक्खन। 2 चम्मच मक्खन डाला है, ज़्यादा मक्खन नहीं डाला है। मक्खन के पिघलते बराबर इस पूरे चिकन को हम इसके अंदर डाल देंगे। ये रेसिपी बनाने में जितनी इजी है उतनी ही ज्यादा टेस्टी है ये रमजान में अफ्तार में मजा लेने के लिए। पूरा चिकन एक साथ में एक बार में इस पैन में आ जाएगा। अगर आपका पैन छोटा हो तो 2 बार में पकाएं। अब पूरे चिकन को इसमें डाल दिया। आंच को यहां पर थोड़ा तेज करेंगे और जब तक उसमें अच्छी तरीके से पकने लगे तब तक तेज रखेंगे। जैसे ही वो पूरी तरीके से पकना शुरू हो जाएगा तो आंच को हम मीडियम कर देंगे और इसे 10 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे। हो सके तो ढक्कन लगा दे। ढक्कन लगा देने से चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और बिल्कुल भी चुई नहीं होती है, हार्ड नहीं होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चिकन अगर टाइट हो जाए, चुई हो जाए तो वो खाने में मजा नहीं आता है। ढक के रख दिया हमने। 10 मिनट एक साइड पकाया है, फिर से खोला है। आंच को अब मीडियम ही रहने दिया है और अब इसे अलट पलट करेंगे। ऐसे अलट पलट करके दूसरी साइड से भी हम इसे 10 से 15 मिनट तक स्लो आंच के ऊपर पका लेंगे। मीन्स इसे दम कुक करना है। एक बार उबाल आ जाए तो उसके बाद उसे ढक के लो आंच के ऊपर अच्छी तरीके से अलट पलट करके पकाना है, दम करके, ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए और मसाले का मैरिनेशन जो है उसके अंदर अच्छी तरीके से बैठ जाए, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगे। इसका कलर व्हाइट होता है। इसके ऊपर इसे भूनना ऐसे है कि इसके ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स आ जाए या लाइट ब्राउन स्पॉट्स आ जाए। ऐसे आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देने लगे हैं। पानी पूरा सूख चुका, चिकन गल गई तो हमने उसे हटा दिया है। अब इसकी सॉस तैयार करेंगे। एक सॉस तैयार करने के लिए हमने 4 क्यूब लिए हैं चीज के और ये 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, दूध लिया 1 गिलास और 2 चम्मच सॉस पैन के अंदर मक्खन डाल दिया है। अब इस मक्खन के अंदर हम मैदे को भून लेंगे। जैसे मक्खन पिघल जाएगी तो मैदा इसके अंदर हमने डाल दिया, मतलब
एक टेबल स्पून मक्खन है और 2 टेबल स्पून उसके अंदर हमने मैदा डाला है। मैदा इस तरीके से भूने कि उसमें से अच्छी भुनी हुई खुशबू तो आने लगे लेकिन उसका कलर चेंज ना हो। अब ये अच्छी तरीके से भुन गया तो इसमें हमने दूध डालना शुरू किया। 1 से 1.5 गिलास दूध डालेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और विस्कर की मदद से उसे इस तरीके से मिलाते जाएंगे कि वो बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट जैसा बने। तो इसे देखिए थोड़ा दूध फिर से डाला है और फिर से इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे इस तरीके से विस्कर की मदद से मिक्स करते हैं तो उसके अंदर मैदे के लम्प्स नहीं बनते हैं और वो अच्छी तरीके से एकदम स्मूथ सी स्लरी जैसा बन जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी स्मूथ सी स्लरी जैसी बन गई है, मैदे की गुठलियां बिल्कुल नहीं बनी है। अब इसके अंदर हमने चीज के 4 क्यूब्स ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि चीज को ग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब गरम स्लरी के अंदर वो चीज जाएगी तो वो अपने आप ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और उसे इस तरीके से विस्कर की मदद से बीट करते जाएंगे। बीट करते जाएंगे तो वो पिघलती जाएगी और पिघल पिघल के अच्छी तरीके से उस मैदे के सॉस में मिक्स हो जाएगी। सॉस कह सकते हैं, स्लरी कह सकते हैं, मिक्स हो जाएगी। अब ये देखिए बहुत अच्छी सॉस बन के तैयार हो गई है। 1.5 गिलास दूध लगा है और 4 क्यूब लगे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ओरिगेनो फ्लेक्स। अगर आपको बहुत स्पाइसी चाहिए तो आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन चिली फ्लेक्स अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो ये रेसिपी अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत टेस्टी होती है। और जब ओरिगेनो फ्लेक्स डालते हैं तो इसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है पर खाने वाले अपने आप चले आते हैं और चिली फ्लेक्स की उन्हें कोई जरूरत नहीं लगती है। तो ये सॉस भी तैयार हो गई। चिकन हमने पहले से तैयार किया हुआ था तो हमने सर्विंग बोल ले लिया और सर्विंग बोल में चिकन के पीसेस को इस तरीके से अरेंज कर देंगे कि वो एक ही लेयर में आ जाए पूरे। अगर छोटा हो तो 2-3 बोल में निकाल लें। हमारे ये इस बोल के अंदर आधा किलो चिकन अच्छी तरीके से आ गया। अब इसका ट्विस्ट है, ये सॉस जो रेडी की गई है मैदे और चीज की उसे इसके ऊपर से डाल देंगे। गर्मा गर्म सॉस को इसके ऊपर डालेंगे और इसे गार्निश करेंगे फिर से ओरिगेनो फ्लेक्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप चिली फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं अगर आपको हॉट चाहिए। वैसे इसे हॉट नहीं भी बनाएंगे तो भी ये खाने में बहुत जानलेवा टेस्ट है इसका। और इसे आप रमजान में जरूर या ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ रेसिपी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज।